सो हमारी फाइनल पैकिंग हो रही है. मैंने डिसाइड किया है कि अगर हमें बेबी बॉय होता है तो हम ये ब्लू वाला ड्रेस पहनाएंगे, और इसके मैचिंग हमारे पास कैप और मिटन्स भी हैं. ये रहा इसका कैप और ये, सो ये इसके मिटन्स. सो ये अगर बेबी बॉय होता है तो उसके लिए है, अगर बेबी गर्ल हुई तो हम ये पहनाएंगे. Isn't it cute? So, इसके अंदर मिटन की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह करके और हैंड्स कवर कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ये हमारी फाइनल पैकिंग चल रही है. बेबी बेबी वॉश, बेबी लोशन, एवरीथिंग इज देयर. बेबी क्रीम इज ऑल्सो देयर. दीज कवर्स, अगर बेबी गर्ल होती है तो ये, बेबी बॉय होता है तो ये. तो ये सब हम पैक कर लेते हैं. एसेंशियल्स भी डाल लेते हैं. अब इसे कर देते हैं ऐसे कवर ताकि बेबी के जो कपड़े हैं वो सेफ रहें. इसके साथ में ये बेबी एसेंशियल्स हैं, बेबी लोशन, बॉडी वॉश, दिस इज मसाज ऑयल. ये सारी मेरी पैकिंग है. कुछ गाउन्स हैं एंड टॉवल एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल रेडी. कल शाम को जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और परसों सुबह बेबी, वी आर गोइंग टू सी द बेबी. सो बोझो बेबी को लेके आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ी देर में आ रही है बेबी को लेके. ओके कितना क्यूट लग रहा है. मिट्टू ध्यान रखना. ओके हाँ अभी आ रही हूँ बेबी को लेके. बाय. ऑल हाय गाइस, हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं. हमने हॉस्पिटल में चेक इन कर लिया है और बस हम लोग, एवरीथिंग इज डन. हम ये मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये ईसीजी मशीन है फॉर द बेबी, जिसमें उसका हार्ट बीट चेक होता है. और ये आज पूरी रात 3-4 बार होगा, 12 बजे, 3 बजे, सुबह 6 बजे. तो बेसिकली आज से मेरी नींद को बाय बाय, क्योंकि आज पूरी रात मैं ऐसे जागने वाली हूँ और फिर तो बेबी आ जाएगा तो फिर जागना ही पड़ेगा. और उधर बेबी स्ट्रगलिंग विद द टीवी, ट्राइंग टू फाइंड द स्पोर्ट्स चैनल. हाँ, क्योंकि आज मैच है. और हाँ, लेकिन हमने थोड़ा सा मैच देखा आके, बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है. 101 पे 7 ऑलरेडी आउट हो चुके थे, तो हमें बहुत ही धक्का लगा. लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि आगे का मैच भी देख लेते हैं. सो हम लोग देख रहे थे मैच जर्सी पहन के. ये देखिए लेकिन हमारी टीवी ने हमसे मुंह फेर लिया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा दिया था, जो बेबी से देखा नहीं गया और उन्होंने इमीजिएटली टीवी बंद कर दिया. सो अभी हमारा टीवी भी हो गया है बंद और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा सोने के लिए और आज रात को 2-3 बार उठना ही पड़ेगा बीच में. तो थोड़ी सी हम वार्तालाप कर लेते हैं होने हाँ. वाले पिताजी से. भाई आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. आई कैन नॉट वेट. इट्स बीन आई थिंक जस्ट फ्यू आवर्स टू गो एंड कल आपके हाथ में बेबी होगा. You know, they always say two life-changing events happen in one's life. One is when you get married and one is when you get your first child. So, कल का जो दिन है बहुत ही स्पेशल होगा मेरे लिए, because it will change my life forever. It will change Charu's life forever. And I'll finally be a father. I cannot tell you how excited I feel. But fingers crossed. We don't know whether it's a boy or a girl.
लेकिन हम दोनों की तैयारी करके आए हैं, इसलिए कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. हम फुल रेडी हैं, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, हम दोनों हाथ फैला के बेबी का वेट कर रहे हैं. तो कल सुबह सर्जरी है, लेकिन मेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि मेरी सर्जरी है. आई एम सुपर एक्साइटेड. ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं वेकेशन में आए हैं और प्रॉब्ली वी आर समवेयर इन लोनावला, यू नो, वी हैव चेक्ड इन टू डेला और हिल्टन शिलम एंड वी आर एंजॉयिंग आवर वेकेशन विद दीस ब्यूटीफुल इंडियन जर्सीज, बोलते हैं ना, जर्सीज. सो so no, the child is very very positive. The entire team here is very very nice in this hospital, and they're taking great care of us, and that makes us more comfortable with the process. And yeah, tomorrow we just have to meet the doctor, and then certain checks will happen on Charu, and that's it. So isi vlog mein aap logon ko good news milne wali hai. Baby, did you sleep well? I slept like a baby. और अभी क्या, अभी आई थिंक 6:40 हो रहे हैं शाम के. पूरी रात हम जगे थे हमारे प्यारे से लिटिल बेबी के लिए. वो दिन में सोती अच्छे से, रात में नहीं सोती. I know. So कल रात को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर मिला था, तो उसकी वजह से मैं बहुत गहरी नींद में थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला. पर लगभग 3:30 बजे के आसपास मेरी आँख खोली और मैंने देखा सामने कि राजीव बेबी को गोद में उठा के इधर से उधर ऐसे वॉक कर रहे थे. और ये देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला ये देख के कि यू नो दोनों बाप बेटी बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे. और बेबी भी जो है अभी से डैडीज गर्ल बन चुकी है, क्योंकि जैसे ही रोने लगती है राजीव उसे उठाते हैं और उठाती वो चुप हो जाती है. चुप होने के साथ साथ वो सो भी जाती है. तो दिस इज़ रियली क्यूट. ये जो व्यू था वो देख के बड़ा ही अच्छा लगा मुझे. और आई थिंक कल से भी थोड़ा बहुत ये सब निकल जाएगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत मूव कर पाऊंगी. यस यस. एंड ओ वाओ, यार ये आईफोन 13 का कैमरा, मैं क्या बोलूं आपको, माय गॉड. सो आज है धनतेरस और आज है बहुत ही शुभ दिन माना जाता है. और मैंने चारू को मैंने बोला कि दीदी ने आपको कुछ दिया था, तो वो आज आप पहन के. सो ये दिवाली उनके हिसाब से बिफोर दिवाली घर में लक्ष्मी आई है और उन्होंने ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं. तो एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल. यहाँ पे आप देखेंगे पेंडल के बीच में, बहुत ही सुंदर सा पेंडल है ये. लुक एट दैट, ब्यूटीफुल. सो एंड द चेन आल्सो इज ब्यूटीफुल, इट्स नाइस एंड लॉन्ग. और सिस्टर ने मुझे भी बहुत स्पेशल कुछ दिया है, वो मैं है जो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा शायद अपने ही ब्लॉग में. बट या सो टुडे इज धनतेरस. तो अभी रात को क्या हो रहा है दैट हमारी जो नन्ही सी जान है, एवरी 3 आवर्स शी नीड्स टू बी फेड विद मिल्क. तो नर्स घड़ी देख के यू नो आ जाती हैं, बट बिटवीन दोज 3 आवर्स ऑल्सो शी टेंड्स टू वेक अप इन द नाइट बिकॉज यू नो शी इज अ बेबी. And she will wake up. क्योंकि ये पूरे दिन आराम से सोती है, तो रात को पूरी रात जाग रही है. अभी फिलहाल एक ही रात हुई है, तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक रात थी तो वो मैं तो हैवी डोज के साथ सो रही थी मेडिसिन लेके, लेकिन डैडी जाग रहे थे. तो no, so I am extremely alert and even though we do have one japa maid, but I am a little possessive about my things. And rahi baat to, so you can imagine I'm possessive about my things, but when it comes to my own baby, I'm a little too extra possessive. So even though she's there, but that doesn't really comfort me. I need to be there with my child, you know, holding her and making sure that she sleeps well. The good thing is, ek baar wo meri godi mein aa jaati, then she is again back to sleep. So yeah, aur wo hamari japa maid hai. दीदी हाय बोलो. हाय, मैंने देखता नहीं कि कौन है. हाँ, लेकिन तो वो भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बड़े पजेसिव हैं बेबी को लेके, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यू नो हम अपने पास ही रखें, तो वो ऐसा चल रहा है. लेकिन बेबी जो है बहुत ही ज़्यादा, शी इज़ अ वेरी गुड बेबी. वो बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं करती, वो 2-3 चीज़ों पर ही रोती है. या तो उसको भूख लगती है, या उसको पॉटी सुसु करती है तभी, या उसको कभी कभी शायद बैड ड्रीम आता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा नींद में उठ के रोने लग जाती है.
बाकी वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है एंड शी इज अ वेरी गुड गर्ल.